दोस्तों, इससे पिछले वाली वीडियो में हम लोग आ चुके थे मिर्ज़ापुर में। इस वीडियो में मैं यही दिखाने वाला हूँ आप लोगों को, माँ विंध्यवासिनी का धाम। तो फिलहाल देखिए, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पे सभी दुकानें वगैरह लगी हैं, लोग अपना लगा रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे बसें खड़ी हैं, यहाँ पे फोर व्हीलर वगैरह पार्किंग की गई है, क्योंकि अंदर जितना ही अंदर आप लोग जाएंगे उतना ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, उतना ही ज़्यादा कंजक्शन होगा। तो इसीलिए यहाँ पर लोग पार्किंग कर देते हैं, यहाँ से पैदल जाते हैं। तो हम लोगों का बाइक है, तो हम लोगों को कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम लोग आगे चलेंगे अपना। और ये देखिए, यहाँ पर भी ज़्यादातर लोग बाइक यहीं पे पार्किंग किया जाता है, और कार वगैरह भी यहीं पे पार्किंग की जाती है यहाँ से ऊपर चढ़ा के। लेकिन फ़िलहाल मैं बाइक से हूँ, देखता हूँ आगे चलने का ऑप्शन है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है माँ विंध्यवासिनी मंदिर इस साइड। अभी फिलहाल में दोस्तों आप लोगों की जानकारी ये बता दें, हम लोग यहाँ पे देखें मंदिर के ठीक ऊपर हैं, छत पे आ चुके हैं, और हमारे ठीक पीछे आप देखेंगे ये मंदिर है, और इसके पीछे आप देखिए ये कॉरिडोर बना हुआ है। तो अभी देखिए, ये गंगा द्वार है, आप लोग ये देखिए, जस्ट पीछे हमारे ये पीछे गेट था, उस गेट पर मतलब विंध्याचल मंदिर का मेन गेट था, और ये हम लोग गंगा द्वार पर हैं। चलिए आप लोगों को माँ गंगा के भी दर्शन कराते हैं इसी साथ में। फिलहाल में दोस्तों हम लोग माँ गंगा का दर्शन कर लिए हैं, हालांकि गर्मी और धूप की वजह से हालत ख़राब हो चुका है, क्योंकि अभी बीच दोपहर में हम लोग हैं यहाँ पे, खैर क्या ही कर सकते हैं। तो अभी देखिए, हम लोग दर्शन करके नीचे आ चुके हैं, और फिलहाल में ये देखिए सामने ये मंदिर है, और यहाँ पर देखिए अगर आप लोग देखेंगे तो अभी धूप है, काफ़ी ज़्यादा धूप है और काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। ऐसे में देखेंगे आप लोग, ये जगह जगह देखेंगे पानी गिराया गया है,
और ये जगह जगह मैट लगाया गया है ताकि उस पर से दर्शनार्थी चले और श्रद्धालु चले और उनको तकलीफ ना हो, जैसा कि अभी आपको मैं दिखाता हूँ। तो अभी देखिए यहाँ पर देखिए जगह जगह पर लोगों की सुविधाओं के लिए यहाँ पर देखिए पूरा ऐसे मैट लगाया गया है और ये एक तरह से मंदिर का काफ़ी बढ़िया व्यवस्था है कि लोगों को सुविधा के लिए पूरा किया गया है। तो ये देखिए यहाँ पर पूरा ऐसे है और इधर देखेंगे मंदिर है और यहाँ देखिए ये कॉरिडोर, कॉरिडोर में ऊपर ही यहाँ सब कुछ व्यवस्था है, जैसे मुंडन वगैरह का व्यवस्था ऊपर ही किया गया है और हवन कुंड वगैरह नीचे है, जो कि अभी चलिए मैं आपको हवन कुंड नीचे दिखाता हूँ। तो ये देखिए ये है हवन कुंड यहाँ पर बनाया गया है। तो दोस्तों जैसा आप लोग बता दें, मैंने अपना लेवल बेस्ट दिया है कि हर एक जानकारी यहाँ का दे सकूँ आप लोगों को, यदि फिर भी कोई कमी रह जाती है बाई इंचार्ज मिस्से तो आप लोग मुझे जो है कमेंट में बताइए, मैं आप लोगों को रिप्लाई दे दूंगा। फिर भी और भी जो कुछ भी हो सकता है, अभी कोई सूची रह जाती है तो मैं उसके लिए क्षमा से आता हूँ। और बस आज की वीडियो में बस इतना है, मैं आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप लोग नए हैं, और कमेंट में बताइए आप लोग यहाँ पर कब आना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को बेस्ट मौसम बता दूँगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, हर महादेव।